हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू साला फाउंडेशन। सो गाइस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, मोस्टली बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उनको पेपर क्या है एग्जाम से पहले पता चल जाए कि उनके जो मार्क्स हैं वो क्या है आ जाएं, तो वो यार एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उनका पेपर क्या लीक हो जाए। तो यार आज मैं तुमको जो बताने वाला हूँ इन हिंदी, वो सारी चीज़ें तुमको बताऊँगा जिसके थ्रू तुम अगर तैयारी करते हो तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार तुम्हारा पेपर एज अ लीक ही हुआ है। तुम यार ये मान सकते हो कि यार अगर तुम ये तीनों बुक्स को अच्छे से तैयार करते हो जिन चीज़ों पर मैं तुमको फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और यार जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, जैसे तुम्हारा पेपर लीक हो जाए, तो यार तुमको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो तुमको मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ, अगर तुम उसको तैयार करते हो अच्छे से, डेफिनेटली यार तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो यार चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और तुम्हारी जो हिंदी की बुक्स हैं इनके विशेष बताते हैं कि तुमको किससे क्या तैयार करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब कुछ मैं तुमको आज इस सिंगल वीडियो में सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमसे बात करूँगा तुम्हारे पेपर के पैटर्न की, क्योंकि पेपर का पैटर्न अगर तुमको पता नहीं होगा तो तुम क्या तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि पेपर का पैटर्न तुमको भले ही शॉर्ट में पता हो, बट एटलीस्ट पता ज़रूर होना चाहिए। तो देखो, तुम्हारे में अगर पेपर के पैटर्न की बात करूँ, तो देखो पेपर का पैटर्न मैंने क्या नोट करके अच्छे से रखा हुआ है तुम्हारा। तो देखो, इसमें तुम्हारे क्या है, दो सेक्शन आने वाले हैं। दो सेक्शन है तुम्हारा, फर्स्ट सेक्शन सेक्शन ए और दूसरा तुम्हारा सेक्शन बी। सेक्शन ए में तुम्हारा जो आने वाला है वो तुम्हारी आने वाली है ये हिंदी व्याकरण, और जो तुम्हारा सेक्शन बी में आने वाला है वो तुम्हारी दो बुक आने वाली हैं, साहित्य सागर और एकांकी संचय। और यार इसके अलावा और भी बुक्स हैं, अगर कोई बच्चा इन बुक्स के अलावा और बुक्स पढ़ता है तो यार वो भी बुक्स आ रही हैं। अब देखो तुमको करना क्या होता है और क्या क्या तुमको पेपर में दिया रहता है। तो देखो, सबसे पहले हम तुमसे बात करते हैं, तुम्हारा जो सेक्शन है वो व्याकरण से लगा रहता है, और इसमें देखो तुमको क्या करना है। तो देखो, इसमें तुम्हारा क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा संक्षिप्त लेख का, जिसको तुम इंग्लिश में कंपोजिशन बोलते हो। और यार ये तुमको क्या है, केवल 250 वर्ड्स में लिखना होता है, मतलब 250 शब्दों में तुमको क्या है इसको लिखना होता है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है तुम्हारा, वो आता है पत्र। इसमें तुमको एक लेटर लिखना होता है और जो कि हिंदी में रहता है, और इसका जो वर्ड लिमिट है वो तुम्हारा है 120 वर्ड्स का। तो इसका क्या ये वर्ड लिमिट रहता है। फिर यार तुम्हारा क्या है, गद्यांश आता है। तो गद्यांश जो आता है वो उसको तुम पैसेज भी कहते हो। तो गद्यांश जो आता है उसमें तुम्हारे क्या है 5 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि तुम्हारे क्या है 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं गद्यांश में। फिर इसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है उसमें तुम्हारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे किस टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जैसे विलोम शब्द के क्वेश्चन रहते हैं, पर्यायवाची के रहते हैं, तुम्हारा संज्ञा का रहता है, विशेषण का रहता है, शुद्ध रूप का रहता है, मुहावरे का रहता है, तुम्हारा उचित वाक्य का रहता है। तो ये जो तुम्हारे टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड तुम्हारे जो है क्वेश्चंस क्या रहते हैं। अगर मैं तुम्हारे बुक की बात करूं, तो इस बुक में अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसमें बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिया हुआ है। विलोम शब्द भी हैं इसमें, तुम्हारा पर्यायवाची भी है, तुम्हारा इसमें पत्र लेखन भी है, तुम्हारा इसमें कंपोजिशन भी है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी इस बुक में क्या है दी है। तो ये तुम्हारी जो बुक है इसमें सब कुछ दिया गया है। ये 9th+10th की बुक होती है, तो इसमें सब कुछ गिवन है। तो जिस बच्चे के पास ये, तो उसका पत्र लेखन भी हो जाएगा, उसका जो कंपोजिशन है वो भी हो जाएगा, उसका जो पर्यायवाची है, ब्लॉन्ग शब्द है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या कवर की गई हैं, तो इससे उसका क्या कवर हो जाएगा। अब देखो, आगे मैं तुमको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो तुमको ज़रूर फोकस करनी है। अब देखो, तुम्हारा है सेक्शन वी। सेक्शन वी में समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सेक्शन वी को नहीं समझा तो फिर तुमको प्रॉब्लम होगी। देखो, सेक्शन वी में क्या है, सिर्फ तुम्हारा एकांकी संचय और तुम्हारा साहित्य सागर की बुक नहीं आती है, और भी तुम्हारी बुक्स आती हैं। लेकिन तुमको जो करना क्या होता है, सेक्शन बी में केवल 2 बुक के क्वेश्चन करने होते हैं। क्या करना होता है, तुमको सिर्फ 2 बुक के क्वेश्चन करने रहते हैं। तो देखो, अगर मैं तुमसे बात करूँ ICSE बोर्ड, तो यार मोस्टली बच्चों के पास यही बुक्स होती हैं। तो यार अगर मैं तुमसे बात करूँ कानपुर में, यूपी में, तो यार उन बच्चों के पास क्या यही बुक्स हैं और यही सब्जेक्ट चलते हैं। तो उनके पास क्या है, साहित्य सागर और एकांकी संचय क्या रहती है। अब देखो, साहित्य सागर से तुमको एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना है, और तुमको एकांकी संचय से भी कम से कम एक क्वेश्चन करना है। मतलब एक क्वेश्चन से करना कंपलसरी है, और एक क्वेश्चन से करना क्या कंपलसरी है, और सेक्शन ए जो तुम्हारा क्या पूरा का पूरा कंपलसरी होता है, जो भी तुमको मैंने सेक्शन ए में बताया वो सब कुछ तुम्हारा कंपलसरी है, वो तुमको करना ही पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते हो।
लेकिन ये जो तो दो तुम्हारी बुक हैं, एक क्वेश्चन तुमको इससे करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तुमको इससे करना पड़ेगा, और इसके अलावा तुमको दो क्वेश्चन और करने पड़ते हैं, वो तुम या तो इससे कर दो बचे हुए दो, या इससे बचे हुए दो कर दो, या फिर तुम एक इससे कर दो एक इससे कर दो, तो ये सिस्टम रहता है। तो ओवरऑल तुमको क्या है सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस क्या है करने होते हैं। तो तुम ये समझ गए हो एक एक करना इन दोनों से कंपलसरी है, और जो बचे हुए दो क्वेश्चन तुम क्या है कहीं से भी कर सकते हो जहाँ से तुम्हारा मन हो। तो ये चीज़ तुम क्या समझ गए हो कि तुमको करना क्या है, तुम पैटर्न समझ गए हो और कितने कितने क्वेश्चंस करने वो तुम समझ गए हो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये तुम्हारी बुक्स हैं, जो ये तुम्हारी बुक्स हैं देखो, ये जो तुम्हारी ग्रामर की बुक है हिंदी व्याकरण की, इससे तो यार तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इससे तुमको कोई नहीं बचा सकता है, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको सेक्शन ए में मार्क्स चाहिए तो तुमको ये हिंदी व्याकरण की बुक पढ़नी ही पड़ेगी, इससे तुमको कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हारा संज्ञा है तो पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा विशेषण है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, इससे तुमको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ इन दोनों बुक की, तो यार इन दोनों बुक से तुम बच सकते हो। कैसे बच सकते हो समझना ध्यान से। देखो तुम्हारी ये साहित्य सागर की जो बुक है, अगर मैं तुमको ओपन करके दिखाऊं तो इस साहित्य सागर की बुक में तुम्हारे क्या है 10 चैप्टर्स गिवेन है। तो साहित्य सागर में तुम्हारे क्या है 10 चैप्टर्स गिवेन है, तो 10 चैप्टर है तुम्हारे संक्षिप्त कहानियां के। अब देखो 10 चैप्टर इसमें गिवेन है साहित्य सागर में, और अगर मैं तुमसे बात करूं एकांकी संचय की, तो यार इसमें तुम्हारे क्या है ओनली 6 चैप्टर्स गिवेन है। तो इसमें 10 हैं और इसमें 6 हैं। अगर तुम एक माइंड लगाओ अपने दिमाग में, तुमको एक चीज बताता हूं जो मैंने तुमको सेक्शन बी में नहीं बताई। एक चीज तुमको ये ध्यान रखनी है कि साहित्य सागर से 3 क्वेश्चन आते हैं, साहित्य सागर से 3 क्वेश्चन आते हैं, सिमिलरली एकांकी संचय से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों बुक से तुम्हारे क्या है 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें से एक करना तो मैंडेटरी है, एक इससे करना है एक इससे करना है, ये मैंडेटरी है। लेकिन इसके अलावा तुमको 2 क्वेश्चन और करने होते हैं। अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है, या तो तुम इससे कर दो, या फिर तुम इससे कर दो, या फिर तुम एक इससे कर दो एक इससे कर दो, ये तुम्हारे पास चॉइसेस रहती हैं। अब देखो तुमको मालूम है एकांकी संचय में सिर्फ तुम्हारे 6 चैप्टर हैं, कितने हैं ओनली 6 चैप्टर हैं। अगर तुम इस एकांकी संचय को तैयार कर लो अच्छे से, अगर तुम इस एकांकी संचय को अच्छे से तैयार कर लो, और यार कितने केवल 6 चैप्टर हैं, तो यार 6 चैप्टर में केवल 6 चैप्टर में तुम्हारी एकांकी संचय पूरी कंप्लीट हो रही है, और इसके जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो तुम यार आसानी से कर लोगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से हो गए, अब बचा हुआ एक क्वेश्चन जो तुमको इससे मैंडेटरी होता है करना, तो इसमें तुम्हारे पास क्या है 10 चैप्टर्स हैं। तो इसमें तुम 10 चैप्टर्स मत करो, बिल्कुल मत करो, सिर्फ इसमें तुम स्टार्टिंग के अगर 4 चैप्टर कर लोगे, अगर तुम स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लोगे तो पक्का है कि यार तुम्हारा एक क्वेश्चन तुमको करना होता है मैंडेटरी वाला, वो तुम्हारा इससे क्या है जरूर तुम्हारा फंस जाएगा। क्योंकि यार 10 चैप्टर्स हैं, 3 क्वेश्चन एग्जामिनर को देने हैं, तो यार स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में से तो वो एक क्वेश्चन जरूर और जरूर देगा। तो तुम्हारा प्लस पॉइंट ये है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें इस बुक को एकांक के संचय तुम पूरा कर लो, 3 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, 3 क्वेश्चन तुम कर लेना, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे और बचा हुआ 1 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा, तुम्हारे 4 क्वेश्चन क्या सेक्शन बी के हो जाएंगे, ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम क्या है ज़्यादा प्रिपरेशन तुमको नहीं करनी पड़ेगी, और तुम्हारा कम प्रिपरेशन में भी तुम्हारा क्या है काम चल जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, लेकिन ये तुम्हारा जो हिंदी व्याकरण की बुक है इसको तुम बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। अब देखो तुमको अगर मार्क्स गेन करने हैं, अब मैं तुमको कहता हूँ मार्क्स गेन करने की, इन दोनों बुक का तुम समझ गए कि भाई इसमें तुमको कैसे मार्क्स गेन करने हैं, कम पढ़ के भी तुम क्या है अच्छे नंबर लेके आ जाओगे, इन दोनों बुक का तुमको क्लियर है। अब मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारी ये हिंदी व्याकरण की बुक, ये काफ़ी मोटी बुक है, अब यहाँ मार्क्स कैसे गेन करोगे ये मैं तुमको समझाता हूँ। अब देखो तुम्हारा सबसे पहले तुमको पता है कि संक्षिप्त लेख आना है, जो तुम जिसको तुम कंपोजिशन कहते हो, या तुम्हारा तुमको पता है कि कंपोजिशन आने वाला है, तो वो कंपोजिशन में तुम कैसे मार्क्स ऑप्टेन करोगे वो समझना है तुमको। देखो कंपोजिशन में मार्क्स ऑप्टेन करने के लिए पहली चीज़ तो ये कि यार जो तुम आंसर्स को लिख रहे हो उसमें हेडिंग्स को जरूर डालोगे, अगर तुम्हारी हेडिंग्स मेंशन होंगी तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो विदाउट हेडिंग करते हैं, अगर यार तुम विदाउट हेडिंग करोगे तो यार तुम्हारे मार्क्स किसी दूसरे स्टूडेंट से क्या है कम ही रहने वाले हैं,
क्योंकि यार एक बच्चा जो विद हेडिंग्स कर रहा है, पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो हेडिंग इंडिकेट कर रहा है कि तुमने इसके अंदर क्या लिखा होगा, सेकंड हेडिंग इंडिकेट करेगा तुमने फिर अंदर क्या लिखा है, थर्ड हेडिंग इंडिकेट करेगा तुमने क्या लिखा है। तो तुमको क्या करना है कंपोजिशन में, तुमको हेडिंग के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो हेडिंग तुमको डालना है और हेडिंग डालने के बाद अपने आंसर्स को क्या है करना है, तो तुम्हारे कंपोजिशन में तुम मार्क्स गेन कर लोगे। फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ से व्याकरण से पत्र लेखन का, तो देखो तुमको क्या है पत्र लेखन का जो फॉर्मेट होता है वो तुमको अच्छे से करना है। अगर तुमको फॉर्मेट नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, तो तुम वहाँ बता सकते हो कि सर मुझको फॉर्मेट नहीं आता है, तो मैं तुमको फॉर्मेट भी बता दूंगा। तो पत्र लेखन का जो फॉर्मेट है वो तुमको बहुत अच्छे से करना है कि कहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कहाँ पर डेट डालते हैं। अब देखो कुछ बच्चे डेट लिख देते, तुमको डेट नहीं लिखना होता, तुमको दिनांक लिखना होता है। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर तुम हिंदी का पेपर दे रहे हो तो सारी चीज़ें तुमको क्या हिंदी में लिखना है। तुम ये नहीं कि तुम उसमें डाल दो डेट डाल दो, उसमें दिनांक डालना होगा तुमको, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ तुम्हारा फुल स्टॉप आएगा, वो सब चीज़ें तुमको क्या है अच्छे से मेंशन करना है। अगर तुम ये सब मेंशन करोगे तो तुम्हारा अगर फॉर्मेट सही होगा तो कुछ मार्क्स तुम्हारे फॉर्मेट के भी होते हैं। फिर उसके बाद तुम जो उसके अंदर कंटेंट लिखते हो तो उसके तुम्हारे मार्क्स होते हैं। तो अगर तुम फॉर्मेट कंटेंट्स अच्छे से लिखोगे तो तुम्हारा पत्र लेखन में तुमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स यह मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट तुम्हारा गद्यांश। अब देखो गद्यांश के लिए क्या है कि तुम से मैं बस यही कहूँगा कि तुम इस बुक से क्या है 2-3 गद्यांश देख लो और तुम क्या इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। यह गद्यांश क्या होता है, गद्यांश का मतलब होता है जैसे तुम्हारा इंग्लिश में पैसेज आता था, पैसेज के कुछ क्वेश्चंस होते थे और तुमको आंसर करना होता था, सेम तरीके से हिंदी में भी है। हिंदी में पैसेज को तुम गद्यांश बोल रहे हो, तो तुम्हारा जो गद्यांश आ रहा है, जो तुम्हारा पैसेज आ रहा है, उसके तुम्हारे 5 क्वेश्चंस गिवन है। तो एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ो, है हिंदी में भी है तो हिंदी में गद्यांश को अच्छे से पढ़ो और उसके जो 5 क्वेश्चंस उनको इजीली क्या कर दो। फिर यार इसका तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तुमको जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची है, संज्ञा है, विशेषण है, तुम्हारे शुद्ध वाक्य हैं, तो ये जितना भी ये पोर्शन है इसको तुम एक बार अच्छे से इस बुक से कर लो। बस यही जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके लिए तुमको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आएगा। और यार काफ़ी बच्चे हैं जो 80 out of 80 लाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यार अपना अच्छा स्कोर लाने के लिए तुमको फोकस करना पड़ेगा। अब देखो ये तो तुम समझ गए हो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब देखो कैसे पढ़ने की अगर मैं तुमसे बात कहूँ तो देखो बहुत अच्छा तरीका यही है कि जितना मैंने तुमको ये चैप्टर्स बता दिए हैं इन तीनों बुक में, अब कुछ नहीं बारी बारी से एक एक बुक में लग जाओ और अच्छे से इन बुक को क्या तुम कवर कर डालो। तो अगर तुम बारी बारी से लग जाते हो, अच्छे से इन बुक को कवर करते हो, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेबस बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और यार तुमको अच्छा खासा एग्जाम गैप मिल रहा है, तुमको यार अच्छा खासा इस पेपर में गैप मिल रहा है, तो यार उस गैप का यूटिलाइज करो, उस गैप में अच्छे से पढ़ोगे, तुम अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स तो तुम्हारे आ ही जाएंगे। फिर तो तुमको ये समझ में आया होगा कि ये तुमको कैसे करना है। और यार अब मैं तुमसे बात करूं, अगर तुमको इन सब चीज़ों के बियॉन्ड और मार्क्स इंप्रूव करना है तो कैसे इंप्रूव करोगे। देखो ये सब चीज़ें थी भाई, हमने पढ़ा है, ये पढ़ लिया तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं इन चीज़ों के अलावा तुमको बताता हूँ और मार्क्स कैसे गेन करोगे। देखो कोई आंसर जब तुम लिखते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन। अगर देखो तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट होगा तो तुम्हारे मार्क्स तुमको क्या है मिल जाएंगे। जैसे भी तुमको मैंने बताया कि अगर तुम्हारा जो कंपोजिशन आ रहा है हिंदी में, उस कंपोजिशन को तुम क्या हेडिंग वाइज लिखो तो वहाँ से तुम्हारे मार्क्स गेन हो जाएंगे। लेटर आ रहा है तुम्हारा तो उसका फॉर्मेट सही लिखो, उसमें जो डेट्स वगैरह है उसको सही तरीके से मेंशन करो। और तुम्हारा जैसे एक चीज़ बताता हूँ, कुछ बच्चे देखो मार्क्स क्यों नहीं गेन कर पाते हिंदी में। देखो ज़्यादातर बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो हिंदी लिखते हैं तो हिंदी के जो शब्द होते हैं वो क्या है गलत लिख देते हैं, या उनका जो व्याकरण होता है उसका वो क्या है सही फॉर्म नहीं लिखते हैं, और जो शुद्ध सेंटेंस होता है, शुद्ध वाक्य होता है, उसको क्या करेक्टली नहीं लिखते हैं। और इसी वजह से कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम रह जाते हैं। तो यार मार्क्स गेन करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है।
और यार अगर तुम इस पर थोड़ा सा भी फोकस करोगे हिंदी पर तो तुम इजीली मार्क्स गेन कर लोगे, क्योंकि तुमको मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई कैसे इनको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या तुमको छोड़ना है। तो यार तुम इजीली मार्क्स गेन कर लोगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू तुम्हारा नहीं आएगा। और यार हिंदी सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो फुल स्कोर कर भी लेते हैं। और यार यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात वही है कि तुमको कोई भी जो स्पेलिंग है हिंदी में उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगर तुम स्पेलिंग गलत करोगे तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम होगी। तो हिंदी के जो भी शब्द हैं उनको गलत मत लिखना, और जो सेंटेंसेस होते हैं उनको शुद्ध वाक्य के फॉर्म में लिखना। अशुद्ध वाक्य लिखोगे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, और जो भी तुम्हारे सैल्यूटेशन होते हैं लेटर में वो तुमको सारे देने हैं। कंपोजिशन होता है उसको तुम वर्ड्स लिमिट में लिखोगे, ये ध्यान रखना। कंपोजिशन और लेटर इन दोनों को अगर तुम वर्ड लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो भी तुम्हारे मार्क्स क्या डिडक्ट होंगे। तो वर्ड लिमिट के अराउंड लिखोगे तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत कम लिखोगे तो भी तुमको प्रॉब्लम होगी। और यार लास्ट थिंग मैं तुमको और बता रहा हूँ वो है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। जब तुम अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी करते हो तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना। देखो घर से ही सेट करके जाओ कि सेक्शन ए में मुझे इतना टाइम देना है, सेक्शन बी में मुझे इतना टाइम देना है। देखो अक्सर क्या होता है कि बच्चे क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि यार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सब मुझे तैयार है और सेक्शन ए को बाद में कर लेंगे। देखो सेक्शन बी में जो आंसर्स होते हैं वो थोड़ा क्या लॉन्ग फॉर्म में होते हैं। जो आंसर लॉन्ग फॉर्म में होते हैं तो यार उनको करने के लिए तुमको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए। तो इसीलिए सेक्शन ए का टाइम डिसाइड कर लो, उसमें तुमको कितना टाइम देना। और तुमको पता है कि सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा कंपोजिशन का है, तो कंपोजिशन के लिए भी तुम टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे इतना टाइम कंपोजिशन में देना है, इतना टाइम मुझे लेटर में देना है। तो इस तरीके से तुम डिसाइड करके जाओगे तो यार तुम्हारा सेक्शन ए टाइम से पूरा हो जाएगा, फिर उसका तुम्हारा सेक्शन बी भी टाइम से पूरा हो जाएगा। और अगर विदाउट टाइम तुम जाओगे तुम सोचोगे यार कर लेंगे, चलो इतना टाइम मिलता तो है, तो फिर तुमको प्रॉब्लम होगी। यार एक चीज़ बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं पेपर को बहुत जल्दी करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं यार हिंदी का पेपर अब बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यार कुछ बच्चे क्या है पेपर को जल्दी जल्दी लिख के क्या बैठ जाते हैं। तो यार एक बात तुम बताओ, तुमने अगर पेपर जल्दी लिख के बैठ गए तो इसका तुम्हें कोई बेनिफिट मिला? अगर तुम मान लो पेपर को जल्दी लिख के बैठ गए तो तुमको इसका बेनिफिट मिला? बेनिफिट कुछ नहीं मिला तुमको, लेकिन तुमने एक लॉस कर लिया। तुम सोच रहे हो यार क्या लॉस कर लिया? तुमने एक लॉस ये कर लिया कि अगर तुम जो तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ था अगर तुम उससे अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाते, अपनी कुछ हेडिंग्स डालते, कुछ आप उसमें क्या है बॉक्स में कुछ चीज़ों को मेंशन कर देते, कुछ फैक्ट पॉइंट डाल देते, तो यार अगर तुम ऐसे मेंशन करते जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, कोई करेक्टर का नाम है उसको मेंशन करते काफ़ी अच्छे से, तो यार वहाँ से तुम्हारे मार्क्स क्या है कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहे होते। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जितना तुम क्रिएटिव कर सकते हो इन द एग्ज़ाम वो क्रिएटिवनेस तुम क्या लेके आओ। देखो यार बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपने आंसर्स को क्रिएटिव लिखते हैं, और जो यार बच्चा क्रिएटिव लिखता है उसके कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनके फुल मार्क्स आ भी जाते हैं। तो अगर आंसर को क्रिएटिव जितना कर जाओगे उतने ही मार्क्स क्या ज़्यादा ले जाओगे, और कम क्रिएटिव होगा एक बच्चे का ज़्यादा क्रिएटिव होगा, तो यार जिसका ज़्यादा क्रिएटिव होगा ऑब्वियसली बात है कि उसको कुछ ना कुछ मार्क्स एग्जामिनर क्या ज़्यादा देगा, क्योंकि यार एग्जामिनर भी हम लोगों की तरह क्या एक पर्सन है जो कॉपी चेक कर रहा होता है, तो यार उसको कोई एक आंसर एक बेटर वे में दिखाई देगा तो ऑब्वियसली बात है कि बेटर वे वाले को क्या है वो कुछ मार्क्स क्या ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल तुम समझ गए हो कि यार तुमको हिंदी में कैसे मार्क्स लेके आना है, किस तरीके से गेन करना है, किस बुक में कौन से टॉपिक कवर करने हैं, किस चीज़ को छोड़ना है, ओवरऑल तुमको क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है रिगार्डिंग हिंदी तो यार तुम नीचे कमेंट उसे पूछ सकते हो। और यार ऐसे देखने के तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, नॉट क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।